हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन। देखिए एल्केन में यदि CH4 की रिएक्शन H2 के साथ में एच न्यू या सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पर CH3X प्लस HX का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेनली ये रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर होती है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर मैकेनिज्म फॉलो होता है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन FRSR। तो एल्केन में ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी है हाइड्रोजन के साथ में फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है इसमें, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप होती है, चेन इनिशिएशन स्टेप में H2 के बीच का जो बॉन्ड है वह एच न्यू या सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज से यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल क्या हुआ है, जनरेट हुआ है एक्स फ्री रेडिकल, है ना। सेकेंड स्टेप है यहाँ पर चेन प्रोपेगेशन स्टेप में ये चेन रिएक्शन शो करेगा फ्री रेडिकल CH4 के साथ में ये चेन रिएक्शन शो करेगा। चेन रिएक्शन में यहाँ पर इस तरह से होमोलाइटिक क्लीवेज और CH3 फ्री रेडिकल प्लस HX का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, है ना। H फ्री रेडिकल और X फ्री रेडिकल HX का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर ये स्टेप इसकी स्लो स्टेप है और यही इसकी RDS स्टेप है। इसमें भी तीन स्टेप होती हैं। नेक्स्ट में CH4 पर X2 अटैक करेगा और इससे CH3X प्लस X फ्री रेडिकल जनरेट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में CH4 प्लस X फ्री रेडिकल CH3X प्लस एच फ्री रेडिकल यहाँ पर जनरेट होगा। देखिए यहाँ पर सारी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पर जो मेन रिएक्शन है वह ही ये वाली फर्स्ट स्टेप, ये वाली स्लो स्टेप एंड RDS स्टेप, है ना। तो यहाँ पर जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है वह क्या होती है, कम होती है। रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो वह रिएक्शन जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट होगी। यहाँ पर CH4 और X फ्री रेडिकल, यहाँ पर भी CH4 प्लस X फ्री रेडिकल है, यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल बन रहा है, यहाँ पर H फ्री रेडिकल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। बट ये वाली रिएक्शन यहाँ पर इतनी प्रिफेबल नहीं है, ये वाली रिएक्शन यहाँ पर प्रिफेबल है। यहाँ पर सारी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ने देखा है यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट स्टेप है यहाँ पर चेन टर्मिनेशन प्रोसेस। तो थर्ड स्टेप है यहाँ पर चेन प्रोपगेशन का, चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, जितने भी फ्री रेडिकल हैं वह आपस में कंबाइन होंगे। जैसे कि यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल और X फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होगा, CH3X का फॉर्मेशन होगा। H फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन होकर H2 का फॉर्मेशन करेगा। X फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन होकर X2 का फॉर्मेशन करेगा। एंड H फ्री रेडिकल के साथ में HS का फॉर्मेशन करेगा। सारे के सारे यहाँ पर रिएक्शन यहाँ पर होंगे, है ना। ठीक है, तो H फ्री रेडिकल यहाँ पर एक बार ही बन रहा है, तो ये वाली रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है यहाँ पर। बाकी सारी रिएक्शन तीनों की यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने देखा है ये चेन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या चेन रिएक्शन भी इसे बोला जाता है CH4 के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर स्लो स्टेप है RDS स्टेप, इस स्टेप का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल का अटैक एल्केन्स पर, फ्री रेडिकल का अटैक एल्केन पर, ये स्टेप क्या है, यहाँ पर स्लो स्टेप है। ठीक है,
अब यहाँ पर स्लो स्टेप पे तो इधर ध्यान रखना, यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन की बात की जाए, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इन एफ आर एस आर, इन एफ आर एस आर, तो यहाँ पर एक फ्लोरिन है, क्लोरिन है, ब्रोमीन है और एक आयोडीन है, ठीक है, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा वह एफ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, सी एल फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ से बी आर फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ से आई फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल का अटैकिंग यहाँ पर क्या है, फ्री रेडिकल का अटैक यहाँ पर क्या है, स्लो स्टेप या आरडीएस स्टेप है। तो फ्री रेडिकल यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है, आई फ्री रेडिकल है। तो स्टेबल फ्री रेडिकल यहाँ पर इजिली अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको एक्टिवेशन एनर्जी से भी देखते हैं हाई क्लास में, बट यहाँ पर आपको समझने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो आई फ्री रेडिकल बना है, आई फ्री रेडिकल स्टेबल है क्योंकि आपका साइज, आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा साइज होता है, तो बड़े साइज पर इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, स्टेबल होगा, तो ये अटैक कम कर पाएगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम है वह रिएक्ट फास्ट करेगा। तो यहाँ पर फ्लोरिन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, क्लोरिन की उससे कम है, ब्रोमिन की उससे कम और आयोडीन की सबसे कम यहाँ पर रिएक्टिविटी है, ठीक है। और यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा फास्ट कौन यहाँ पर रिएक्ट करेगा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन, तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन इन एफ आर एस आर, इन एफ आर एस आर, तो 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ओके। चलिए नेक्स्ट अपन आगे स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। हाँ जी बच्चों, तो फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं इसमें आगे का प्रोसेस। तो हेलोजिनेशन में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 टाइप के अपन देखेंगे, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडिनेशन। देखिए यहाँ पर फ्लोरिन हाँ, तो फर्स्ट यहाँ पर ये अपन देखते हैं फ्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन जैसे कि CH4 का यदि आप फ्लोरीनेशन कराते हो F2 की प्रेजेंस में, F2 एंड H2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन होता है और 4HF का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, कार्बन ब्लैक, ये क्या है यहाँ पर, कार्बन ब्लैक, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ये सभी कार्बन को कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो एक तरह से फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स इज नॉट पॉसिबल। बी यहाँ पर बात की जाए क्लोरिनेशन CH4 का Cl2 की प्रेजेंस में, Cl2 के साथ में H2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर CH3Cl+ HCl का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। थर्ड यहाँ पर बात करें अपन ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स इज पॉसिबल CH4+ Br2 HNu CH3Br एंड HBr का फॉर्मेशन। और डी यहाँ पर बात की जाए आयोडीनेशन CH4+ I2, यह प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और यहाँ पर CH3I+ HI का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखना यहाँ पर कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो HI बनता है, HI एक हाईली रिड्यूसिंग रिएजेंट है, हाईली रिड्यूसिंग
रिएजेंट हाईली रिड्यूसिंग रिएजेंट है, तो यहाँ पर आयोडीन से इसका, यदि आप जानते हैं कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी के साथ में जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बन का, तो एच आई क्या कर देगा, इसको वापस CH4+I2 में कन्वर्ट कर देगा, इसका रिडक्शन कर देगा। तो इस प्रोसेस को इररिवर्सिबल करने के लिए ही यहाँ पर हाईली ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, हाईली ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट काम में लिया जाता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, और वह है HNO3 एंड HClO4। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या करते हैं, यहाँ पर जो एच आई है, इस एच आई को वापस आयोडीन में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, आयोडीन में कन्वर्ट कर देंगे इसको, एच आई को I2 में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, और आयोडीन वापस CH4 में काम में आ जाएगी, तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल टाइप की होगी। यदि आपने यहाँ पर ये एच नहीं है, यहाँ पर CH4+I2 के साथ में रिएक्शन कराई है, और यहाँ पर एच नहीं है और साथ में HNO3 लिखा हुआ मिले आपको, तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल टाइप की होगी और ये एच आई I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। ओके, तो ये हुआ है एल्केन का, एल्केन से हमारा हेलो एल्केन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकेंड, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्किन से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन। तो एल्किन से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन शो होगी, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में मार्कोनिकोफ रूल्स यहाँ पर फॉलो होगा यदि अनसिमेट्रिकल एल्किन है। देखते हैं अभी किस तरह से वह, तो यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये एडिशन रिएक्शन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर होगी, और यदि यहाँ पर एच एक्स के साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पहले यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा तो यहाँ पर बनेगा CH2 पॉजिटिव बॉन्ड, CH3 हो जाएगा यहाँ पर, ये एच यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बना है, इंटरमीडिएट क्या बना बेटा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना है, सो रीअरेंजमेंट विल बी पॉसिबल, सो रीअरेंजमेंट विल बी पॉसिबल, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, रीअरेंजमेंट आप जानते हो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ होगा, और नेक्स्ट यहाँ पर एक्स माइनस यहाँ पर अटैक करेगा फर्दर, और ये बन जाएगा यहाँ पर CH2X एंड CH3। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये एडिशन रिएक्शन शो होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्किन लिया है, यहाँ पर जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, और इसकी रिएक्शन एच एक्स के साथ में कराई जाती है, तो एच एक्स के साथ में ये रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्किन में आप किधर भी जोड़िए आयोडीन को, ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, या बात करें ये वाला प्रोडक्ट भी इससे बन सकता है, CH3 CH आयोडीन CH2 CH3। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्किन की बात करते हैं अपन, अनसिमेट्रिकल एल्किन, अनसिमेट्रिकल एल्किन्स में यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ रूल्स फॉलो होगा, मार्कोनिक ऑफ रूल,
कि किस तरीके से यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर रिएक्शन कराता हूँ मैं HX के साथ में। तो देखिए यहाँ पर CH3 यहाँ पर है और एक यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट के कारण बॉन्ड की शिफ्टिंग इस तरह की तरफ होगी। ये इसको इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर की साइड में शिफ्ट होंगे, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वह CHX एंड CH3, ये प्रोडक्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ओके, इधर ही बॉन्ड शिफ्ट होगा तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में क्या होगा, यहाँ पर एक्स माइनस का अटैक होगा। तो अनसिमेट्रिकल एल्किन में इस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो मार्कोनिक ऑफ रूल्स क्या बोलता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोफाइल सॉरी न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैच होगा जिससे बनने वाला इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन क्या हो, मोर स्टेबल हो। यदि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनता है उसी पर ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। देख किस तरह से यहाँ पर इंटरमीडिएट दो तरीके से बन सकते हैं। एक इंटरमीडिएट यहाँ पर ये बनेगा CH3, यदि बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, दोनों कार्बन के टाइम बना के देख लेते हैं अपन, CH+ एंड CH3, और एक कार्बन के टाइम यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 एंड CH2+। तो आप जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बन के टाइम यहाँ पर मोर स्टेबल है, तो न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, मोर स्टेबल कार्बन के टाइम पर। मोर स्टेबल कार्बन के टाइम पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये क्या है यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ रूल है, न्यूक्लियोफाइल आर अटैक एट दैट कार्बोकेटाइन विच आर मोर स्टेबल। ठीक है, वैसे बुक्स में ये लिखा हुआ मिलता है आपको कि इलेक्ट्रोफाइल आर अटैक एट दैट sp2 कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मिनिमम एंड न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल आर अटैक एट दैट sp2 कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर मैक्सिमम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल उस sp2 कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो, और न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, मिनिमम हो। तो ये रूल्स आपको बुक्स में देखने को मिलता है, बट एक्चुअल क्या है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करेगा इसे, उसके बाद में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वह कार्बोकेटाइन पर ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा जिससे बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या हो, मोर स्टेबल हो। देखिए किस तरह से यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ रूल्स के जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर करा रहा हूँ मैं HX का अटैक। ठीक है, HX का अटैक हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी दो तरह के कार्बोकेटाइन बनने की प्रोबेबिलिटी है। एक तो बन सकता है यहाँ पर CCl3 CH पॉजिटिव एंड CH3, और बन सकता है यहाँ पर CCl3 CH2 CH2 पॉजिटिव। ओके, अब देखिए ये वाला कार्बोकेटाइन ये कौन सा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, और ये कौन सा था बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप थोड़ा दूर लगा हुआ है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है वो इससे क्या होगा, इसके कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट यहाँ पर कम है। आप जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी भी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी बेटा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो किस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, इस वाले पे करेगा। तो फर्दर जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा CCl3 CCl3 CH2 CH2X, ये वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा होगा। और ये कैसा प्रोडक्ट है, यहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट है, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट है, बट आपको पता है कि एक्चुअल लैंग्वेज उसकी क्या थी, बट बुक्स के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट कहलाएगा।
एक बार समझना, मार्कोनिकोफ रूल्स बुक्स के अकॉर्डिंग क्या है, ये दोनों एसपी टू कार्बन है, न्यूक्लियर फाइल उस एसपी टू कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, मिनिमम हो। बट यहाँ पर न्यूक्लियर फाइल किस पर अटैक कर रहा है, जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, मैक्सिमम हो, तो वह क्या हो जाएगा वहाँ पर, एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट वहाँ पर हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर अपन, उसकी कोई कमी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर एक NO2 ले लिया, CH ले लिया, NH2 ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट, इसमें रिएक्टेंट है, सब्सट्रेट है, और इस पर अटैक करा, इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं HX के साथ में, HX के साथ में। तो ये ग्रुप कैसा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो एंटी मार्कोनिक को प्रोडक्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के प्रेजेंस में क्या होगा, देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग किस तरह से पहचानोगे, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बेटा, है ना। तो यहाँ पर यदि प्रोडक्ट बनेगा तो CH2O- CH X एंड CH, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कौन सा है, एंटी मार्कोनिकोफ, ये प्रोडक्ट कैसा है यहाँ पर, मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट। एल्किन में एक और इफेक्ट देखते हैं अपन, एंटी मार्कोनिक ऑफ या खरास इफेक्ट, खरास इफेक्ट या परोक्साइड इफेक्ट, या एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, या बोल सकते हैं यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। देखिए किस तरह से होगा यहाँ पर, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2, और यहाँ पर रिएक्शन करा रहा हूँ मैं HBr की प्रेजेंस में और परोक्साइड। ये केवल रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा, परोक्साइड इफेक्ट किसकी प्रेजेंस में होगा, किसके साथ होगा, HBr के साथ में ओनली, है ना। यहाँ पर जो प्रोडक्ट देखना है, यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा CH3, CH2, CH2 और Br प्रोडक्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। मैकेनिज्म किस तरह से फॉलो होगा यहाँ पर, मैकेनिज्म देखिए, यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर एडिशन, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है, एल्किन है, बट यहाँ पर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा यहाँ पर, फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये परोक्साइड है, RO, OR, और यहाँ पर HNU की प्रेजेंस में यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर RO फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ये RO फ्री रेडिकल HBr के साथ में अटैक करेगा, HBr के साथ में रिएक्ट करेगा, और HBr के साथ में यहाँ पर बी होमोलाइटिक क्लीवेज और यहाँ पर ROH प्लस Br फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट यहाँ पर CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2 पर Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा और इससे मोर स्टेबल फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। तो यहाँ पर CH3, CH फ्री रेडिकल प्लस CH2 Br का यहाँ पर फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर CH3, CH फ्री रेडिकल प्लस CH2 Br, ठीक है, और इस पर रिएक्शन होगी HBr की, HBr की रिएक्शन से यहाँ पर CH3, CH2, CH2 Br प्लस
बी आर फ्री रेडिकल का जनरेशन, और बी आर फ्री रेडिकल वापस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा आगे। तो ये इसका मैकेनिज्म है परऑक्साइड इफेक्ट का। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात की जाए, रिएक्टिविटी एच एफ एच सी एल, एच एफ एच सी एल, एच बी आर एंड एच आई। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये रहेगा, सॉरी ठीक है ना, आयोडीन के बीच की एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, कम होगी, तो फ्री रेडिकल वहाँ पर इजीली जनरेट हो पाएगा। तो एच एफ नॉट शो परोक्साइड इफेक्ट ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। एच एफ यहाँ पर परोक्साइड इफेक्ट को शो नहीं करता है ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। हाई बॉन्ड एनर्जी के कारण यहाँ पर एच एफ नहीं शो करता है, एस सी एल भी शो नहीं करेगा और एच आई भी शो नहीं करेगा। एस सी एल में क्या रीज़न रहेगा यहाँ पर, जो यहाँ पर ये सी एल फ्री रेडिकल यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ये, और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा यहाँ पर, और एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण इसका डेल्टा जी पॉजिटिव निकल के आएगा, और डेल्टा जी यदि पॉजिटिव होगा तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। एच आई के केस में भी सेम यही प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। केवल यहाँ पर परोक्साइड इफेक्ट किसकी प्रेजेंस में होगा, ब्रोमीन की ही प्रेजेंस में होगा। तो ये तो हो गया एल्किन के साथ में हेलो एल्किन का।